बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिवीजन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और हमने कहा था कि जेनेटिक्स को किस तरह से कवर करना है। शुरू के दो तीन सफ़े और लास्ट वाले दो तीन सफ़े, इन दोनों को कवर कर लोगे तो पूरी की पूरी जेनेटिक्स कवर हो जाएगी। तो ये जेनेटिक्स वाली वीडियो की पार्ट थ्री है और हम डायरेक्ट चले गए हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के ऊपर। और दरमियान में से मैंने कुछ चीज़ें स्किप की है क्योंकि वो माइनर टॉपिक है, अभी हम सिर्फ मेजर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ओके, तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने म्यूटेशन, उसकी टाइप्स को, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था। अब दूसरी जो टाइप आती है जेनेटिक डिसऑर्डर की, वो आती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय व्हाट नॉर्मल कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप की डेफिनेशन क्या होती है, पहले आपने कैरियोटाइप की डेफिनेशन को नोट कर लेना है। द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, सिंपल सी बात है, द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज कैरियोटाइपिंग, ठीक हो गया। और हर क्रोमोसोम की रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसको कैरियो टाइप बोलती है, ठीक हो गया। आपको पता है कि ह्यूमन सोमैटिक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 22 होमोलोगस पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और जो लास्ट वाला जो पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का, ठीक है। जो ठीक है, ओके। तो आपको जो जीनोटाइप होता है फीमेल के अंदर वो एक्स एक्स और मेल के अंदर एक्स वाई देखने को मिलता है, ठीक हो गया। अब आपको पता होता है कि कैरियोटाइप किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, कैरियोटाइप किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले ऑटोसोम के पेयर को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ और इसके बाद आप सेक्स क्रोमोसोम की बारी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर का कैरियोटाइप लिखोगे तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने ऑटोसोम लिखने हैं, ठीक है, ऑटोसोम वाले। सपोज नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 47। फिर आपने उसका, ठीक है, ऑटोसोम वाला यानी ऑटोसोम इसमें कितने हो गए, 44 हो गए, ठीक है, ओके। डाउन सिंड्रोम में तो ऐसे 44 नहीं होते, 45 हो जाते हैं, ओके। और लास्ट में आपने क्या लिखना है, सेक्स क्रोमोसोम। तो आपने किस तरह से अरेंज करना होता है कि पहले आपने पेयर ऑफ ऑटोसोम का पहले रखना होता है, फिर इसके बाद सेक्स क्रोमोसोम को अरेंज करना होता है। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलती है, कैरियोटाइप देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आपने जो ऑटोसोम को अरेंज किया हुआ है तो ये आपने किस फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ, ठीक है, लेंथ की बेस के ऊपर। जो क्रोमोसोम नंबर वन है इसकी लेंथ रिलेटिवली ज़्यादा है, तो जैसे जैसे हम 22 की तरफ जाते हैं तो लेंथ कम होती जाती है और लास्ट में आपने क्या लिखने हैं, सेक्स क्रोमोसोम को लिखने हैं, ओके। तो ये कैरियोटाइप को इस तरह से ऑब्टेन करते हैं। बाकी इसको लिखना कैसे है, नॉमनक्लेचर क्या होता है साइटोजेनेटिक का, वो मैं दोबारा बताऊंगा पेटियो सिंड्रोम के अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, उसका नाम है जी बैंडिंग या जिसको जिम्सा बैंडिंग कहते हैं। अब क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए भी स्पेशलाइज स्टेनिंग यूज़ की जाती है, यानी क्रोमोसोम को अगर आपने देखना है विजुलाइजेशन के लिए डिफरेंट स्टेन्स चाहिए होती है। तो जो पार्टिकुलर और रिलायबल स्टेन यूज की जाती है क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने के लिए, व्यूलाइज करने के लिए, उनके पैटर्न्स को देखने के लिए, ठीक हो गया, उनके अल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड को देखने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको अल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलेंगे। उनको प्रॉपर डिफरेंशिएट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो स्टेनिंग यूज़ की जाती है वो होती है जिम्सा स्टेनिंग होती है, ठीक हो गया, जिम्सा स्टेनिंग। और एक नॉर्मल कैरियोटाइप आपको नजर आ रहा होगा फिगर 5.17 इसके अंदर, ठीक हो गया, जिसके अंदर जिम्सा स्टेनिंग दिखाई हुई है। इस जिम्सा स्टेनिंग या जी बैंडिंग से देखा गया तो आपको 400 से लेकर 800 बैंड्स देखने को मिलेंगे पर हैप्लॉइड पर सिंगल सेट, यानी इसके ऊपर आपको 400 से लेकर 800 बैंड्स देखने को मिल सकते होते हैं। और ये वाली बात के जो बैंडिंग होती है, बैंडिंग आप किस फेज के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो वो होती है प्रोफेज के अंदर। वैसे तो वैसे मेटाफेज के अंदर तो सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है कि जो रेजोल्यूशन ऑब्टेन की गई है बैंडिंग से वो इम्प्रूव हो जाती है जब आप सेल को ऑब्टेन करते हो प्रोफेज के अंदर, ठीक हो गया, प्रोफेज के अंदर। और उस प्रोफेज के अंदर आप कितने बैंड्स को देख सकते हो, पर कैरियोटाइप 1500 बैंड्स को देख सकते हो। अब इन बैंड का फ़ायदा क्या होता है, इन बैंड्स से ये फ़ायदा चलता है कि क्रोमोसोम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम है और ये ऑटोसोम है, और हम क्रोमोसोम की डिसऑर्डर्स को भी डायग्नोस कर सकते हैं। अब कॉमनली यूज साइटोजेनेटिक टेक्नोलॉजी किया, ठीक है, जो कैरियोटाइप लिखते हैं, कैरियोटाइप को भी शॉर्ट हैंड सिस्टम के जरिए किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले आपने क्या लिखना, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्राइसोमी 13 है तो आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पैटियो के अंदर, टाउन के अंदर, एडवर्ड के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फिर इसके बाद फॉलोड बाय सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद बारी आई कि सेक्स क्रोमोसोम में कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये बताएगा कि मेल है या फीमेल है जीनोटिपिकली। इसके बाद फाइनली क्या होगा, फाइनली आपने किसी भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की एबनॉर्मैलिटी को लिखना है न्यूमेरिकल ऑर्डर के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 47 एक्स वाई, ठीक है, जीनोटाइप मेल है, प्लस 21 का मतलब क्या हुआ, 21 क्रोमोसोम वाली कॉपी ज़्यादा हो गई है, प्लस का मतलब, ठीक है,
तो इस तरह से अपने नोमेनक्लेचर को पढ़ना है। क्रोमोसोम के दो टाइप्स के आर्म्स होते हैं, पी आर्म और क्यू आर्म। जो पी होता है वो शॉर्ट आर्म होता है जिसको पैटेट बोलते हैं, लॉन्ग वाला क्यू होता है क्योंकि पी के बाद क्यू आता है, तो जो बाद में आएगा वो लॉन्ग होगा। ओके, और हर बैंडेड कैरियोटाइप के ऊपर क्या देखने को मिलता है, ये जो क्रोमोसोम के आर्म्स होते हैं उनको कुछ रीजन के अंदर डिवाइड किया जाता है। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आपके क्रोमोसोम के दो आर्म्स नजर आ रहे हो, पी आर्म और क्यू आर्म। इन दोनों को सेपरेट करने वाला सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, सेंट्रोमियर। अब आपको नजर आ रहा होगा कि एक चाहे शॉर्ट आर्म है चाहे लॉन्ग आर्म है, उनको एक दो या नहीं एक रीजन तो हो नहीं सकता, दो या दो से ज़्यादा रीजन के अंदर डिवाइड किया जाता है। और डिवाइड करने वाले क्या होती है, कुछ बैंड्स होती हैं, ठीक है, बैंड्स। ओके, मिसाल के तौर पर पी क्रोमोसोम है, इसके ऊपर कितने रीजन है, दो रीजन है, ठीक है, और दो रीजन को डिवाइड करने वाले बैंड्स होते हैं, ठीक है। अब जो बैंड्स है, बैंड्स के अंदर आपको मजीद सब बैंड्स हो जाते हैं, ठीक है, सब बैंड्स देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे एक यहाँ पर एक नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है XP21.2, उसका क्या मतलब होता है कि क्रोमोसोम एक्स है, ठीक है, और हम इसके ठीक है, यानी जीन कहाँ पे है, क्रोमोसोम नंबर एक्स पे है, उसके शॉर्ट आर्म के ऊपर है, और रीजन कौन सा है, टू है, बैंड नंबर वन है, और जो पॉइंट के बाद जो एक और आ रहा है वो सब बैंड को इंक्लूड कर रहा है। तो इस तरह से आपने साइटोजेनेटिक टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी को आपकी इस तरह से याद करना है। क्रोमोसोम की जो एबनॉर्मैलिटीज होती है वो दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल और दूसरी होती है न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने आपको पहले कहा था कि इस चैप्टर में ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो डाउन 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 सिंड्रोम में कितने सारे सवाल आ जाते हैं, लेकिन हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज़ को भी कवर कर लेते हैं। तो तब तक आपने वीडियो तो को लाइक तो कर चुका होगे, और हम इस टॉपिक पर इसलिए स्लो स्लो जा रहे हैं क्योंकि हमने जेनेटिक्स में 5 से 6 सफ़े सारे तैयार करने हैं मेजरली, ठीक है, और इन पर हम ज़्यादा टाइम देंगे एज़ कम्पेयर टू माइनर टॉपिक्स। तो क्रोमोसोम की जो एबनॉर्मैलिटीज़ होती है वो दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या मजीद आ सकती है, फॉर एग्जांपल डिलीशन हो सकता है, रिंग क्रोमोसोम आ सकता है, इन्वर्जन हो सकती है, आइसोक्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो सकती है, ओके, ट्रांसलोकेशन हो सकती है, तो इतनी सारी ये स्ट्रक्चरल एनोमलीज देखने को मिल सकती है, एबनॉर्मैलिटीज। तो रिंग क्रोमोसोम डिलीशन है, ट्रांसलोकेशन, आइसोक्रोमोसोम से इन्वर्जन है, इन सबको हम डायग्राम से कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी को समझाने से पहले वो बताता है कि जो नॉर्मल क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। पहले टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये कैरियोटाइप नहीं बल्कि क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट बता रही है। कैरियोटाइप को लिखने का तरीका क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वैसे तरीका तो वैसे वही है, कैरियोटाइप वाला, तो 46। इसके बाद आपने सेक्स क्रोमोसोम लिखना है, नॉर्मल, नॉर्मल के अंदर तो कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं होती, तो 46XX फीमेल का, 46XY मेल के लिए होता है। अगर कोई भी एग्जैक्ट मल्टीपल हो क्रोमोसोम, यानी जो हैप्लॉइड नंबर का मल्टीपल हो, तो उसको बोलते हैं यूप्लाइडी, ठीक है, यानी जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 23, इनका जो मल्टीपल्स होते हैं उनको यूप्लाइडी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 46 हो गया, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाएगा, 69 बन जाएगा, तो जो एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ एन इज कॉल्ड यूप्लाइडी, ठीक है। और अगर एरर मियोसिस के अंदर, माइटोसिस के अंदर आता है, और ऐसा क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट मिलता है जो कि एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होता, किसका, हैप्लॉइड नंबर का, एन का या 23 का, तो उसको बोलते हैं एन यूप्लाइडी। तो अगर क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्ट मल्टीपल का हो एन का, तो उसको बोलते हैं यूप्लाइडी, अगर नहीं होता तो एन यूप्लाइडी होता। अब एन यूप्लाइडी के दो मेजर कॉजेज होते हैं, पहला नॉन डिसजंक्शन और दूसरा होता है एनाफेस लैक। नॉन डिसजंक्शन तो आपने सुना हुआ है, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, नॉन डिसजंक्शन गैमेटोजेनेसिस के दौरान होता है एनाफेस के अंदर, ठीक है, एनाफेस के अंदर, ठीक है। डिसजंक्शन वैसे नॉर्मली एनाफेस के अंदर सेपरेट होनी होती है, लेकिन अगर ऐसा ओके गैमिट्स के अंदर, तो क्रोमोसोम की जो कॉपीज है वो सेपरेट नहीं हो पाती, तो एक क्रोमोसोम, तो एक गैमिट वाले को ज़्यादा क्रोमोसोम मिल जाएगी N+1, और दूसरे गैमिट वाले को, क्योंकि आपको पता है कि गैमिट्स कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है, यानी 2N किसमें हो जाता है, 2N N+N में, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल सेपरेशन नहीं होती, नॉन डिसजंक्शन होती है, तो एक गैमिट के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और दूसरे के पास कोई क्रोमो एक कम होता है, क्रोमोसोम N-1 होती है। अगर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है नॉर्मल गैमिट से, तो आपको दो टाइप के जाइगोट्स देखने को मिल सकते हैं, एक में क्रोमोसोम का नंबर एक ज़्यादा होगा, वो कब होगा, जब इस वाले गैमेट ने फर्टिलाइजेशन किया, और या तो आपको मोनोसोमी भी देखने को मिल सकती है जब उस गैमेट ने फर्टिलाइजेशन किया जिसमें ऑलरेडी क्रोमोसोम नंबर कम था। ये था नॉन डिसजंक्शन। दूसरा एनाफेस लैग। एनाफेस लैग में क्या होगा, लैग पीछे रह गया, ठीक है, ये भी एनाफेस के अंदर होता है, एनाफेस मियोसिस के अंदर, माइटोसिस के अंदर, चाहे किस में भी हो। लेकिन मियोसिस में क्या होगा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, और माइटोसिस के अंदर एक क्रोमेटिड होता है, वो क्या रह जाता है, अपने दूसरे पार्टनर से पीछे रह जाता है, और वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाएगा, और जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा तो वो नेक्स्ट डॉटर सेल तक नहीं पहुंच सकता, ठीक हो गया। तो इस केस के अंदर भी आपको मोनोसोमी या ट्राइसोमी देखने को मिल सकती है, जिनकी वजह से सीवियर लाइफ कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी आ सकती होती है। ओके, अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ ट्राइसोमी 21, कि ट्राइसोमी 21 को अगर आप निकाल दो तो जो बाकी सारे जो ऑटोसोमल, ठीक है,
तो उनमें आपको सीवियर माल फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और उस सीवियर माल फॉर्मेशन की वजह से आपको अर्ली डेथ हो सकती है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लिखा हुआ है कि अगर मोनोसोमी ऑटोसोम की होती है तो इस केस के अंदर इतनी ज़्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है कि वो बंदा अगर सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन जो ऑटोसोमल ट्राइसोमी के अंदर सर्वाइवल पॉसिबल होता है, लेकिन उसमें भी जो ट्राइसोमी 21 को अगर हटा दो तो मोस्टली केसेस के अंदर माल फॉर्मेशन हो जाती है और बहुत सारे अर्ली एज के अंदर मर जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक और वर्ड आ गया हुआ है मोज़ेकिज्म। मोज़ेकिज्म में होता है क्या, मोज़ेकिज्म में माइटोटिक एरर हो जाएगा, और माइटोटिक एरर कब होगा, जब जाइगोट से एम्ब्रियो जेनेसिस हो रही होगी, एम्ब्रियो के सेल वगैरह बन रहे होते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपको दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी देखने को मिलती है जिसके अंदर क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ नॉर्मल से कम होते हैं। तो एक ही इंडिविजुअल के अंदर दो या दो से ज़्यादा ऐसी सेल की पॉपुलेशन का होना जिनके अंदर जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट या क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट क्या है, डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं मोज़ेकिज्म। मोज़ेकिज्म का कॉज क्या है, माइटोटिक एरर, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ जाइगोट, ठीक है। या ये भी हो सकता है सोमैटिक एरर, सोमैटिक सेल के अंदर भी हो सकता है, चाहे वो जाइगोट उसमें भी हो सकता है, ठीक हो गया। अब मोज़ेकिज्म सेक्स क्रोमोसोम को नॉर्मली अफेक्ट करती होती है, ठीक हो गया। अब इसमें होगा क्या, अगर फर्टिलाइज ओवम की डिवीजन होती है तो कोई ना कोई एरर आ जाता है, उस एरर की वजह से कुछ डॉटर सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर तीन सेक्स क्रोमोसोम होंगे, किसी के अंदर एक होगा, किसी के अंदर नॉर्मली दो हो जाएंगे, तो आपको इस तरह का जीरो टाइप देखने को मिल सकता है। 45X कुछ ऐसे होते हैं, कुछ 47X सेक्स हो जाते हैं। तो जो तमाम डिसेंडिंग सेल्स होते हैं, तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कुछ एबनॉर्मल होते हैं, किसी में एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। तो इस तरह का आपको मोज़ेकिज्म देखने को मिलता है। मोज़ेकिज्म भी ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम का, तो अभी आप तो मैंने सेक्स क्रोमोसोम का बता दिया, ऑटोसोमल मोज़ेकिज्म रिलेटिवली लेस कॉमन होता है। तो ज़्यादा कॉमन कौन सा होगा, सेक्स क्रोमोसोम। ओके, और यहाँ से जैसे यहाँ सेक्स क्रोमोसोम के अंदर टर्नर सिंड्रोम की एग्जाम्पल लिखी गई है, बाकी इसको मैं टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जो ऑटोसोमल मोज़ेकिज्म होता है रिलेटिवली लेस कॉमन होता है एज कम्पेयर टू सेक्स मोज़ेकिज्म। इसके अंदर एरर होगा अर्ली माइटोटिक डिवीजन में, उस अर्ली माइटोटिक डिवीजन की वजह से क्या होगा, ऑटोसोमल मोनोसोमी हो जाएगी, ठीक है। और बाज़ अवकात ऐसा होता है कि जो कुछ नॉन वायबल सेल होते हैं जो आगे सर्वाइव नहीं कर सकते, वो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, और आपको वायबल मोज़ेक्स वगैरह देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, एक तो नॉर्मल सेल के साथ आपको एब्नॉर्मल सेल देखने को मिल सकता है, 46XY, 46XY, और जो क्रोमोसोम ज़्यादा ऐड हो गया वो है 21। और ये वाली ट्राइसोमी किसके अंदर कॉमन है, डाउन सिंड्रोम के अंदर। दोबारा डाउन सिंड्रोम के अंदर इसको एक्सप्लेन करूँगा। एक स्पेशल कैटेगरी है क्रोमोसोमल एब्रेशन की, जिसके अंदर स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इसको विजुलाइज करने के लिए, रूटीन बैंडिंग टेक्निक से देखने के लिए क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए हमें चाहिए होता है। जो रेजोल्यूशन होती है उसको देखने के लिए जो टेक्निक परफॉर्म की जाती है वो है फिश, मछली वगैरह, ठीक हो गया। स्ट्रक्चरल चेंजेस किस वजह से आ सकती है, डिलीशन की वजह से आ सकती है, रिंग क्रोमोसोम इन्वर्जन है, एसो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन है, ट्रांसलोकेशन है। तो वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। पहला है डिलीशन। डिलीशन के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम का कोई एक पोर्शन लॉस्ट हो जाएगा। अब नॉर्मली जो डिलीशन होती है वो इंटरस्टिशियल होती है, लेकिन कभी कभार टर्मिनल डिलीशन भी हो सकती है। अब मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, डिलीशन इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, इंटरस्टिशियल दरमियान में से डिलीशन हो रही है तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, लेकिन अगर टर्मिनल एंड से भी हो तो वो भी डिलीशन के अंदर आ जाती है। बस किसी तरह आपने क्या करना है, डीएनए के बेस पेयर को आपने लॉस्ट करवा देना है, डीएनए के पार्टिकल्स को, या सॉरी क्रोमोसोम के पोर्शन को आपने लॉस्ट करवा देना है। इंटरस्टिशियल या टर्मिनल डिलीशन दोनों हो सकती है, लेकिन मोस्टली इंटरस्टिशियल होती है और रेयरली टर्मिनल डिलीशन होती है। इंटरस्टिशियल में क्या होगा कि क्रोमोसोम के एक आर्म के अंदर दो ब्रेक्स आएगी, ठीक हो गया, और उस ब्रेक्स की वजह से जो क्रोमोसोमल मटीरियल लॉस हो जाएगा, और लॉस होने के बाद बाकी वाले दो एंड्स होंगे वो फ्यूज कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये वाला पार्ट जाया हो गया और दो ये वाले दो पार्ट्स थे आपस में फ्यूज करके, और ये वाला फ्रैगमेंट जाया हो गया। ओके, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया, 47XY डिलीशन 16 P11.2 P13.1। इसका क्या मतलब हुआ, इससे ये एक्सप्लेन करता है कि जो ब्रेक्स हैं वो कहाँ कहाँ पे आई है। पहला ब्रेक्स कहाँ पे आया, पहली बात ये ब्रेक्स 46XY के अंदर आया है, डिलीशन हुई है, अब वो भी 16 क्रोमोसोम के ऊपर, उसके भी शॉर्ट आर्म के ऊपर, लेकिन P11.2 और P13.1 इन दोनों के दरमियान में जो बेस पेयर आती थी, इन दोनों के दरमियान में जो क्रोमोसोमल पार्ट आता था वो लॉस्ट हो जाता है। तो ये इंटरस्टिशियल की एग्जाम्पल हो जाती है। टर्मिनल के अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोम में सिंगल बेयर होगा, सिंगल ब्रेक होगा, लेकिन उस क्रोमोसोम वाले ब्रेक में, ठीक है, अब वो क्रोमोसोम वाला पार्ट जिसके पास कोई सेंट्रोमेयर नहीं है वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकेगा। जिसके पास सेंट्रोमेयर होगा वो सर्वाइव करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, ये निशानी होती है, ठीक है। अब इसके बाद रिंग क्रोमोसोम, रिंग क्रोमोसोम ये भी डिलीशन की एक स्पेशल फॉर्म होती है। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर ब्रेक्स होगे क्रोमोसोम के दो एंड्स के ऊपर होगी,
ठीक है, ब्रेक्स हो गए दो क्रोमोसोम के दो एंड्स के ऊपर, और जो डैमेज एंड्स हो गए आपस में दूसरे से फ्यूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक ही क्रोमोसोम है, इसके दोनों एंड्स के ऊपर ब्रेक हो गया, टर्मिनल डिलीशन हो गया, उस टर्मिनल डिलीशन की वजह से फ्रेगमेंटेड पार्ट, जो डिलीटेड पार्ट था वो तो ज़ाया हो जाएगा, लेकिन जो डैमेज पार्ट था वो अपने ही क्रोमोसोम के डैमेज पार्ट से फ्यूज करने के बाद एक रिंग बना लेगा, जिसको बोलते हैं रिंग क्रोमोसोम। ओके, और रिंग क्रोमोसोम की एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखिए 46XYR, ठीक है, आर रिंग क्रोमोसोम को शो करता है, ठीक है, और रिंग क्रोमोसोम 46XYR अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो आई थिंक टर्नर सिंड्रोम के अंदर भी लिखा हुआ होना चाहिए 46XR, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको 46XR, बाकी मैं इसको दोबारा टर्नर के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं रिंग रिंग क्रोमोसोम के बाद इनवर्जन को, इनवर्जन में क्या होगा, इनवर्जन ये तरह की रीअरेंजमेंट है, डिलीशन नहीं है, इसके अंदर दो ब्रेक्स आएगा सिंगल क्रोमोसोम के पास, फिर क्या होगा, फिर उन्हीं पार्ट्स की रीइनकॉर्पोरेशन हो जाएगी, लेकिन उनकी इनवर्जन हो जाएगी। अब इनवर्जन दो टाइप की होती है, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। अगर पैरासेंट्रिक और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन को देखने के लिए हम इस डायग्राम को यूज़ करते हैं, ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसमें पहले क्रोमोसोम का एक पार्ट थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंटली लॉस हो जाएगा या उससे अलहदा हो जाएगा, लेकिन फिर वो वापस आ जाएगा, लेकिन वो री इन्वर्जन के साथ उल्टा होने के बाद, जिस तरह एक मिरर इमेज होता है। पैरासेंट्रिक और पैरासेंट्रिक में फ़र्क क्या होगा, क्रोमोसोम के आर्म्स में फ़र्क होगा। अगर जो इन्वर्जन होती है वो क्रोमोसोम के दो आर्म्स के दरमियान में होती है सेम क्रोमोसोम के, तो उसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक, और पैरासेंट्रिक का मतलब सेम क्रोमोसोम के आर्म के ऊपर, चाहे वो पी है चाहे वो क्यू है, तो इन्वर्जन को आपने समझ लिया। इसके बाद है आइसोक्रोमोसोम फॉर्मेशन। अब होगा क्या, नॉर्मली ऐसा होता है कि एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम का एक पार्ट लॉस हो जाएगा, एक आर्म लॉस हो जाएगा चाहे वो पी और क्यू, और रिमेनिंग आर्म डुप्लीकेट हो जाएगा, तो उस फिर फाइनली जो क्रोमोसोम बनेगा इसके पास या तो दो पी हो गए या दो क्यू हो गए, आई थिंक यहाँ पर आइसोक्रोमोसोम यहाँ पर नहीं है, सॉरी ये है यहाँ पर, तो नॉर्मली होगा क्या, क्रोमोसोम का एक आर्म क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, चाहे वो पी या क्यू है। सपोज पी आर्म ज़ाया हो जाता है तो क्यू वाला क्या करेगा, डुप्लीकेट कर लेगा, डुप्लीकेट करने के बाद आपको जो क्रोमोसोम देखने को मिलेगा या तो उसमें दो क्यू हो गए या दो पी हो गए, तो उसको बोलते हैं आइसोक्रोमोसोम फॉर्मेशन। और इसकी मोस्ट कॉमन टाइप है वो मौजूद होती है लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम के अंदर, और इसको लिखते हैं आई, आई से मुराद आइसोक्रोमोसोम, एक्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, क्यू लॉन्ग आर्म के ऊपर, और टेन का मतलब कौन सा रीजन होगा, टेन वाला रीजन होगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन पहले आप डायग्राम को देख लो तब आप उसको याद रख लेना, बैलेंस भी होती है, सेंट्रिक फ्यूजन या रोबर्टसियन ट्रांसलोकेशन भी होती है। ओके, अब जो ट्रांसलोकेशन में होगा क्या, जो क्रोमोसोम का एक सेगमेंट होता है वो दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हुए पी और क्यू वाला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसकी दो फॉर्म्स होती है, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस के अंदर क्या होगा, बैलेंस के अंदर सिंगल ब्रेक होता है, किसके अंदर, इन ईच ऑफ द टू क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम यहाँ इस वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क होता है, इस वाले में सेम क्रोमोसोम, इस वाले में थोड़े से दो क्रोमोसोम, चाहे वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो बैलेंस ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, दो होमोलोगस क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम के दरमियान इक्वल रीजन के अंदर ब्रेक्स हो गए, और जो इसका मटेरियल इस वाले के पास, इस वाले का इस वाले के पास, लेकिन ये बैलेंस्ड होता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल ये है कि 46XXT का मतलब ट्रांसलोकेशन है, तो दो और पाँच इनके दरमियान एक्सचेंज होती है, टू का लॉन्ग आर्म और फाइव का शॉर्ट आर्म, ठीक है, पी लिखा हुआ है, पी क्यू 31 और पी 14, इस वजह से क्या होती है, ट्रांसलोकेशन होती है, तो ये बैलेंस ट्रांसलोकेशन। अब दूसरी होती है सेंट्रिक। सेंट्रिक में होगा क्या, सेंट्रिक में ये होगा कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक आर्म, शॉर्ट आर्म स्पेसिफिकली पी वाला, दोनों का अलहदा हो जाते हैं और वो लॉस्ट हो जाते हैं, और बाकी जो सेगमेंट्स होते हैं सपोज क्यू वाले वापस में दूसरे से यूनाइट कर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रोबर्टसियन ट्रांसलोकेशन, ठीक हो गया, रोबर्टसियन ट्रांसलोकेशन। ओके, यानी जो अनबैलेंस होती है, अनबैलेंस के अंदर होगा क्या कि इसके अंदर जेनेटिक मटीरियल का नॉर्मल कंपोनेंट नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर अनबैलेंस्ड एबनॉर्मल जायगोट बनेगा, और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है रोबर्टसियन ट्रांसलोकेशन, जिसको सेंट्रिक फ्यूजन बोलते हैं, कि जो सेंटर वाले पार्ट्स वापस में दूसरे से फ्यूज कर जाते, ठीक हो गया। अब इसमें होता है कि जो ब्रेक सेंट्रोमेर के इतना ज्यादा क्लोज आ जाता है कि एक क्रोमोसोम का एक पार्ट ज़ाया हो जाता है, ठीक हो गया, एक बहुत छोटा होता है एक बहुत बड़ा होता है, तो छोटा वाले होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है, जो बड़े वाले होते हैं तो आपस में दूसरे से यूनाइट कर जाते हैं, ठीक है। रोबर्टसियन ट्रांसलोकेशन किस किस के अंदर देखने को मिलती है, ये टर्नर सिंड्रोम के अंदर जब मैं आऊँगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने कितना पढ़ लिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पहले तीन सफ़े को कवर कर लिया है, बाकी वीडियो के अंदर हम डाउन टर्नर क्लाइनफेलर सिंड्रोम को कवर कर लेंगे, और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो उस वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कल तक का। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको क्या करना है, आपने लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।